मेरा नाम डॉक्टर परमजीत सिंह चहल है। मैं यहाँ पे मणिपाल हॉस्पिटल पटियाला में पिछले ऑलमोस्ट 13 से 14 साल से काम कर रहा हूँ ऑर्थोपेडिक्स डिपार्टमेंट में। मेरा बेसिकली एरिया ऑफ एक्सपर्टीज़ है जॉइंट रिप्लेसमेंट, उसमें नी और हिप रिप्लेसमेंट आते हैं ना, उसके बारे में हम काफ़ी सालों से मेरे पटियाला में यहाँ पे मेरी प्रैक्टिस है। तो आज हम बेसिकली एक करंट टॉपिक जो जिसको हॉट टॉपिक बोलते हैं ऑस्टियोपोरोसिस एट अ यंग एज, उसके बारे में बोलेंगे। ऑस्टियोपोरोसिस का मतलब होता है बोन्स का वीक हो जाना, बोन्स में कैल्शियम की कमी की वजह से हड्डी को कमज़ोर हो जाना, उसको हम ऑस्टियोपोरोसिस बोलते हैं। ये डिजीज़ को, इस बीमारी को नॉर्मली ये आफ्टर 70 ईयर्स के आसपास, 65-70 के बाद मेल और फीमेल दोनों में होती है। पर आजकल जो कंसर्न आ रहा है ये यंग जनरेशन में आ रहा है, 30, 35, 40 ईयर्स, तो इसको हम बोलते हैं ऑस्टियोपोरोसिस, मतलब बोन्स का वीक होना यंग एज में हमें, क्योंकि इसमें इसको हमें बचाना आजकल बहुत ज़रूरी है। रीज़न बीइंग, अगर हम इसकी केयर नहीं करेंगे तो यंग पेशेंट को फ्रैक्चर होने शुरू हो जाते हैं, हिप फ्रैक्चर वगैरह है ना, जो कि नॉर्मली, या वर्टिब्रल फ्रैक्चर, कमर के मनकों के फ्रैक्चर, ये वाले फ्रैक्चर्स मोस्टली एल्डरली पेशेंट में होते हैं। अगर ये यंग में होने शुरू हो जाए तो इसको हम बोलते हैं बी ऑनसेट ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस एट यंग एज, भी यंग एज में शुरू हो गई ऑस्टियोपोरोसिस। इसके कारण मोस्ट कॉमन आजकल लैक ऑफ सनलाइट है, जैसे आज चाहे ऑफिस गोअर हो गए या फिर स्टूडेंट्स हो गए, कोई लोग बाहर नहीं निकलते हैं धूप में। जब हम बाहर डायरेक्ट सनलाइट नहीं लेते हैं तो दैट लीड्स टू विटामिन डी डेफिशिएंसी। वो विटामिन डी की डेफिशिएंसी होती है, उससे कैल्शियम अब्जॉर्ब नहीं होता और हमें ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है, ऑस्टियोपीनिया या ऑस्टियोपोरोसिस। देन सेकंड, सेडेंटरी लाइफस्टाइल। अगर आपका लाइफस्टाइल ही सेडेंटरी, आप ऑफिस गोअर है, सारा दिन ही आपने बैठे रहना है, कोई वर्कअप नहीं करना है, उसमें बोन हेल्थ इज एट अ हैजर्ड, एट अ रिस्क। तो हमें वी शुड डू लिटिल बिट ऑफ एक्सरसाइजेज, वर्कअप, वो चीज़ हमें करना है, लैक ऑफ एक्टिविटी नहीं रखनी है। और थर्ड, रेगुलर एक्सरसाइजेस, हमें एक्सरसाइजेज चाहे 15-20 मिनट्स वॉक हो गई आपकी, ट्रेडमिल हो गई, आप रनिंग कर लो, जॉगिंग कर लो, जिमिंग कर लो, इट इज़ मस्ट फॉर गुड बोन हेल्थ। अब एज अ पेशेंट हम बोलते हैं कि मुझे ऑस्टियोपेनिया, ऑस्टियोपोरोसिस है या नहीं, कैसे डिटेक्ट करना है, इसके लिए पहले आप किसी भी ऑर्थोपेडिक डॉक्टर की सलाह लेके देन फिर हमें इसके लिए एक टेस्ट करते हैं जिसको हम बोलते हैं BMD डेक्सा स्कैन, राइट। वो डेक्सा स्कैन हम यूजली करके उससे हम पता लगाते हैं भी आपकी बोन हेल्थ नॉर्मल है या उसमें ऑस्टियोपेनिया है या ऑस्टियोपोरोसिस है, इसकी हम स्टेजिंग कर लेते हैं। देन फिर अकॉर्डिंगली उसका ट्रीटमेंट रहता है। देन ट्रीटमेंट में हम थोड़ा सा जैसे विंटर्स में सन एक्सपोजर का बोलते हैं, देन लिटिल बिट ऑफ मेडिसिन लाइक कैल्शियम एंड विटामिन डी प्रेपरेशन। बाकी इसके अलावा अगर सीवियर ऑस्टियोपोरोसिस हो देन आजकल एवेंड्रोनेट्स, इस तरह की ड्रग्स आती हैं, कैल्सिट्रोनिन नेजल स्प्रेज आते हैं, है ना, ये सारी चीज़ यूज़ करते हैं। इसलिए हमें बोन हेल्थ को बहुत ज़रूरी है, इसको हमने प्रिवेंट इसलिए करना है टू प्रिवेंट रिस्क ऑफ फ्रैक्चर्स। इसलिए आज मेरा फाइनल मैसेज आम लोगों के लिए यही रहेगा कि आपको हल्का फुल्का सन एक्सपोजर लेना है, थोड़ी एक्सरसाइज करनी है, वर्कअप करना है, अपनी लाइफ को सेडेंटरी नहीं बनाना है, ताकि हमें गुड बोन हेल्थ बनाए रखें और आप भी एक्टिव रहें।